नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबर। आज 21 जून 2020 है। आइए पहले फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों से। प्रवासी श्रमिकों को घर के पास ही मिलेगा रोजगार। गरीब कल्याण योजना की हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लाखों श्रमिकों के उनके घर के पास ही रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलीहार गांव से शुरू की गई इस योजना का मकसद वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाना, स्थानीय स्तर पर विकास को गति देना व आजीविका के अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से योजना की शुरुआत करते हुए कहा है कि यह 6 राज्यों बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों में लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया से योजना शुरू करने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। कहा, केंद्र द्वारा लॉकडाउन के प्रावधानों में बदलाव के बाद बिहार सरकार ने विशेष ट्रेनें बुक कराकर दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के श्रमिकों को अपने गांवों तक पहुंचाया। इससे पहले उन श्रमिकों को 1,000 की सहायता राशि दी गई। उन्हें क्वारंटाइन केंद्रों पर सभी सुविधाओं के साथ रखा गया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हर पंचायत में 3.43 करोड़ होंगे खर्च। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत 6 राज्यों के 116 जिले में की गई है। इसमें बिहार के 38 में से 32 जिले शामिल हैं। इसमें उन जिलों को शामिल किया गया है जहां बाहर से 25,000 या उससे अधिक लोग वापस आए हैं। इस अभियान के तहत हर पंचायत में 3,43,00,000 रुपये खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत 25 कार्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें कार्य की अवधि 125 दिनों की है। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से तेलीहार में 2.30 करोड़ की योजना की शुरुआत कर रही है, जिसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री को हाथ हुआ। सीएम ने कहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान काफी प्रशंसनीय है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। मनरेगा, सड़क निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों के साथ साथ 7 निश्चय जल जीवन हरियाली अभियान की योजनाओं के तहत राज्य के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। बिहार में मॉनसून लगातार सक्रिय है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से रोजाना रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार बारिश से किसान गदगद हैं, जबकि कई हिस्से पर जनजीवन पर इसका खास असर पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। विशेषकर राज्य के उत्तरी पूर्वी और उत्तर मध्य हिस्से में 1-2 जगहों पर भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे में अररिया में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। यहां 24 घंटे में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सिपाही की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी 15 जुलाई से। बिहार पुलिस में सिपाही के पदों पर बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के मुताबिक 15 जुलाई से शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुलिस के 11,880 पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। 12 जनवरी और 8 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसका परिणाम 8 जून को जारी किया गया था। लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। परिषद के मुताबिक गर्दनीबाग स्थित पटना हाई स्कूल के मैदान में यह परीक्षा होगी। इसके लिए रविवार यानी 21 जून से ई प्रवेश पत्र मिलेंगे। अभ्यर्थी परिषद के वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। किसी कारणवश यदि कोई अभ्यर्थी इसे डाउनलोड नहीं कर पाता है तो वह 13 और 14 जुलाई को परिषद के पटना स्थित बैंक हॉर्डिंग रोड कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकता है। योग पर 1 माह तक होगा क्विज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रविवार को बिहार के बच्चे शिल्पा शेट्टी के साथ सपरिवार अपने घर में योग करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार के निर्देश पर एनसीईआरटी देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन योग क्विज आरंभ करेगा। 21 जून से आरंभ होने वाली यह प्रतियोगिता 1 माह यानी 20 जुलाई की मध्य रात्रि तक चलेगी। क्विज का ऑनलाइन विंडो बंद होते ही सभी सवालों के ऑनलाइन जवाब भी एनसीईआरटी के साइट पर डाल दिए जाएंगे। बिहार के अधिकाधिक स्कूली बच्चों को भागीदारी के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से अनुरोध किया है कि इसको लेकर बीईपी के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी किरण कुमारी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों के खाते में जाएगी किताब की राशि। 1 सप्ताह में पैसा भेजने का निर्देश हुआ जारी। राज्य के 71,635 सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को शिक्षा विभाग जल्द ही किताब खरीदने के लिए पैसा देगा। पैसा करीब 1.60 करोड़ बच्चों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से दिए जाने की तैयारी की जा रही है।
बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने कहा है कि शैक्षिक सत्र 2019-20 में पहली से सातवीं तक के नामांकित रहे बच्चों के खाते में करीब 600 करोड़ रुपए किताब के दिए जाएंगे। इसके लिए CFMS का आदेश दे दिया गया है। अगले सप्ताह तक राशि खातों में चली जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लेकर प्रदेश के सभी स्कूल व शैक्षणिक संस्थान 14 मार्च से ही बंद हैं। इस वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चों की वार्षिक सम्मूल्यांकन परीक्षा भी नहीं ली जा सकी है। लेकिन अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने 8 अप्रैल को आदेश जारी कर पहली से 11वीं के सभी बच्चों को बिना वार्षिक परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रोन्नति दे दी है। बच्चे प्रोन्नत हो गए हैं, लेकिन अगली कक्षा में अभी उनका नामांकन नहीं हो सका है। सीएम ने कहा, बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में निवेश कर रहे हैं बैंक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार में बैंकों के रवैये में हस्तक्षेप करने को कहा है। शनिवार को बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलीहारा पंचायत से गरीब कल्याण रोजगार योजना के शुरुआत के समय अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार के बैंकों में यहाँ के लोगों के द्वारा जमा की गई रकम को दूसरे राज्यों में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में CD रेशियो मात्र 43% है, जबकि दूसरे कई राज्यों में यह 100% और कुछ में इससे भी अधिक है। प्रधानमंत्री को खगड़िया के तेलहारा से इस योजना के देश भर में शुरुआत करने के लिए धन्यवाद देते हुए नीतीश ने कहा कि हाल ही में राज्य स्तरीय बैंकर समिति के बैठक में हमने बिहार में वार्षिक साख योजना एनुअल क्रेडिट प्लान को बढ़ाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में उद्योगों की कमी है, जिसे बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता की जरूरत है। बिहार में कोरोना के 90 नए मरीज, 7380 पहुंची संख्या। बिहार में शनिवार को कोरोना के 90 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 7380 पहुंच गई है। इसमें से 5367 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 49 लोगों की मौत हो गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य भर में कुल 151148 लोगों की जांच कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को सबसे अधिक 21 नए मामले औरंगाबाद जिले में पाए गए हैं। इसी तरह से बांका जिले में 18, समस्तीपुर में 15 और दरभंगा में 11 नए मामले पाए गए हैं। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज सुबह 9:15 से होगा शुरू। इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण रविवार को सुबह 9:15 के आसपास शुरू होगा, जो दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इस ग्रहण का मध्य दोपहर 12 बजे के आसपास रहेगा, जिसमें सूर्य एक फायर रिंग के रूप में नजर आ सकता है। कुछ देर के लिए हल्का अंधेरा छा जाएगा। इस दौरान मंदिरों के पट बंद रहेंगे। पेट्रोल 51 पैसे, डीजल 61 पैसे लीटर हुआ महंगा। सरकारी पेट्रोलियम वितरण कंपनियों ने शनिवार को डीजल और पेट्रोल के दाम में क्रमशः 61 पैसे और 51 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। इस बढ़ोतरी के साथ ही डीजल का मूल्य दिल्ली में 77.67 रुपये के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। मुकेश सहनी ने कहा, नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन दे राज्य सरकार। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य सरकार को माध्यमिक शिक्षक संघ एवं नियोजित शिक्षक संगठनों की मांगों पर तुरंत निर्णय लिए जाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक संघ समान काम समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा व नियमित शिक्षकों की तरह नियोजित शिक्षकों की भी सेवा शर्त नियमावली सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार उनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी शिक्षकों की मांगें शीघ्र पूरी की जाए। पटना मेट्रो में 29 पदों पर होगी संविदा पर बहाली। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PMRCL में विभिन्न स्तर के 29 पदों पर संविदा पर बहाली की जाएगी। इसके लिए नगर विकास व आवास विभाग के माध्यम से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन में बताया गया है कि सभी आवेदनकर्ताओं को 23 जून से लेकर 6 जुलाई के शाम 5 बजे तक विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल के लिंक पर जाकर आवेदन को जमा करना है। अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना है। शिक्षकों ने जलाई आदेश की प्रतियां। हड़ताल अवधि का सामंजन रविवार एवं होली की छुट्टी वाले दिन कराए जाने संबंधी आदेश की प्रतियां TET प्रारंभिक शिक्षकों ने शनिवार को जलाई। जिला मुख्यालय में आदेश की प्रतियां TET प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जलाई गई। प्रतियां जलाने वाले शिक्षकों ने चेतावनी दी कि नियोजित शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षक संगठनों से वार्ता अविलंब नहीं की तो वे फिर से आंदोलन पर उतरने के लिए विवश होंगे। TET प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक राजू सिंह, जो बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, ने राज्य सरकार से कहा है कि वह शिक्षक संगठनों के साथ अविलंब वार्ता करें
उल्लेखनीय है कि बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 17 फरवरी से एवं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 25 फरवरी से हड़ताल पर थे। बर्खास्तगी से मुक्त हुए शिक्षक, बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर हुई शिक्षकों की राज्यव्यापी हड़ताल के दौरान सेवा से बर्खास्त हुए दो शिक्षक मनोज कुमार एवं मोहम्मद मुस्तफा आजाद शनिवार को बर्खास्ती से मुक्त हो गए। उन्होंने सुनवाई के बाद बर्खास्ती से मुक्त करने का निर्णय हुआ। सुनवाई पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने की। सुनवाई में जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना केशव प्रसाद भी शामिल थे। खबरों में आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।